कटले से ककड़ी है, टोमेटो, ये इसका जो मसाला रहता है हमारा, ये जो सलाद है उसके अंदर सारी कैबेज, बीट, ऑनियन सारा मिक्स रहता है। सो हेलो गाइस, मैं हुसैन अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल भूख तो लगी है। तो अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे आया हूँ, ये अहमदाबाद का IIM एरिया है और ये पीछे देख रहे हो पांजरा पॉल है और ये पूरा IIM सर्कल है। IIM के पास में यहाँ पे हम लोग आज टेस्ट करने वाले हैं यहाँ पे जय श्री अम्बे हॉट डॉग है जो बहुत ही फेमस है। तो अभी इसका जो हॉट डॉग है वो हम लोग यहाँ पे आज टेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए अंदर और देखते हैं कि हॉट डॉग में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। ये खुद का नया कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, इन्होंने खुद की इंग्रेडिएंट्स यूज़ की हुई है हॉट डॉग बनाने में। तो हम लोग चलते हैं अभी अंदर और देखते हैं इनके हॉट डॉग जो किस तरह से बनता है और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो हम लोग अंदर चल के देखते हैं। और ये जय अम्बे, जय श्री अम्बे हॉट डॉग है ये। तो अंदर जाने से पहले अभी आप लोग को दिखा दूँ ये मेनू है यहाँ पे क्या क्या वेराइटीज़, कौन कौन सी डिश मिलेगी आपको। ये रोल्स है, पिज़्ज़ा है, सैंडविच है, मस्का बन है। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ कॉमन है, हुसैन भाई हमें ये क्यों दिखा रहे हैं, बट मुझे पता है ये कॉमन है, बट यहाँ पे आपको कुछ अलग ही अंदाज में और अलग ही फ्लेवर में आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। देखिए यहाँ का इंटीरियर बहुत ही अच्छा किया हुआ, यहाँ के वॉल्स देखिए और यहाँ पे ये सारी इनकी वेराइटीज़ है और काफ़ी IIM एरिया में बहुत ही पॉपुलर है। और अभी हम लोग अंदर चलते हैं यहाँ के किचन में और हम इनसे बात करेंगे। हेलो भाई साहब। हेलो सर, कैसे हो आप? बस बढ़िया। तो जैसे अभी ये जो हॉट डॉग कॉन्सेप्ट है आपका, मुझे लगता है अहमदाबाद में आई थिंक ये फर्स्ट या सेकेंड ही शॉप होगी जहाँ पे फर्स्ट है, तो यहाँ पे हॉट डॉग मिलता है। स्टार्ट किया था मेरे बड़े पापा ने, सॉरी 83 में स्टार्ट किया था बड़े पापा ने, सिग्नल पे पांजरापुर सिग्नल जो है ना वहाँ पे छोटे से टेबल पे स्टार्ट किया था। ओके, मतलब छोटा सा स्टॉल था, छोटा सा स्टॉल था। ओके, 83 में। उसके बाद तो धीरे धीरे यहाँ पे पास में लारी लगाने लगे, तो काफ़ी करीब 18-20 साल से लारी लगाने लगे। शॉप को हो गया 6 साल अभी, और दूसरा भी न्यू ब्रांच मैंने मेरा खुद का किया है, कोई फ्रेंचाइजी नहीं है, अपने राजपूत क्लब के सामने फूड कोर्ट के अंदर है। क्या बात है। तो दोस्तों अगर आप अहमदाबाद में हैं और अगर आप IIM पे नहीं आ सकते तो राजपथ क्लब के पास भी इनका खुद का सेकंड ब्रांच है, वहाँ पे भी आप ये हॉट डॉग को टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी ये बताइए कि जैसे बाहर भी हॉट डॉग मिलते हैं तो आपके और बाहर में क्या डिफरेंट है, मतलब आपके यहाँ कौन सा ऐसे टेस्ट मिलेगा? बहुत डिफरेंट है, क्योंकि हॉट डॉग का जो पहली जो पेटीज जो रहता है अंदर वो हम खुद बनाते हैं, पेटीज तो हम खुद बनाते हैं, और हॉट डॉग का हम पूरा डीप फ्राई करते हैं। ओके, जैसे कि पूरा ऑयली बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है, पूरा डीप फ्राई क्रिस्पी रहेगा, क्रंची टाइप रह जाएगा पूरा सा। तो अभी हम लोग ये अभी बनाएंगे इसको, किस तरह से बनाते हैं हम लोग वो चेक करते हैं। तो गाइस जैसा कि अभी आपने देखा कि यहाँ पे हम लोग हॉट डॉग बनाने वाले हैं, इनका सेकंड ब्रांच राजपथ क्लब के पास में है। तो जब भी आप जाए, मैं यहाँ राजपथ क्लब का एड्रेस भी मेंशन कर दूंगा और यहाँ का भी एड्रेस मेंशन कर दूंगा, तो आप लोग जहाँ भी आपकी मर्जी हो, IIM आना है तो IIM आके भी टेस्ट कर सकते हैं और IIM और राजपथ क्लब जाके भी टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं, भाई साहब हमें हॉट डॉग किस तरह से बनाते हैं वो हम लोग देखेंगे। चलिए अभी मैं मेरी पेटीज बताता हूँ, कटलेट जो हॉट डॉग हम खुद बनाते हैं वो आप देख लीजिए, मैं फ्राई कर देता हूँ हॉट डॉग, ठीक है सर? बेटा ये हमारी पेटीज है जो हॉट डॉग का हम खुद पेटीज बनाते हैं। जैसे कि काफ़ी लोग होगा कि रेडीमेड डालते, पर हमारे बड़े पापा सालों से इसमें ही खुद ही रेसिपी खड़ी की है इसमें हॉट डॉग के लिए स्पेशली। ओके, बस यार हॉट डॉग के लिए भी हॉट डॉग का पूरा डिफरेंट होगा हमारा भी। ये हमारा हॉट डॉग है, जैसे कि हॉट डॉग का हमारा पूरा डीप फ्राई करेंगे हम इसको, बस 2 मिनट्स। अच्छा, ये भी डीप फ्राई होगा? जी सर, ऑयली बिल्कुल नहीं रहेगा। ओके, जी ऑयली बिल्कुल आएगा ही नहीं और क्रिस्पी रहेगा खाली ऊपर से। देखो फ्राई कर देता, पूरा डीप फ्राई करूंगा मगर ऑयली बिल्कुल नहीं रहेगा। अच्छा, जो कटलेट आपने बनाया कटलेट जो है वो उसमें क्या मटेरियल यूज होता है? वो हमारा जो अंदर का जो रेसिपी है वो हम बता नहीं सकते सर, सॉरी उसके लिए। अच्छा। पर उसका जो सब होता है आलू के अंदर सब एक्स्ट्रा मसाला वगैरह होता है, वेजिटेबल्स वगैरह होता है, वो सब हम डालते हैं अंदर। तो इनके रेसिपी के, इनकी मोनोपोली के हिसाब से रेसिपी नहीं बता सकते, तो गाइज यहाँ पे आके एक बार टेस्ट जरूर करना।
आप टेस्ट करोगे आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या रेसिपी अंदर यूज होती है। ये अपना हॉट डॉग हो गया, तो ये हॉट डॉग रेडी हो गया है फ्राई। संडे को कैसा है कि हॉट डॉग ही हमारा रहता है शाम को 6 बजे के बाद, 6 से रात को जो लास्ट 10-11 बजे तक का रहता है हॉट डॉग ही ज़्यादा चलता है हमारा। ओके, सबसे ज़्यादा जो चलता सबसे ज़्यादा हॉट डॉग ही। हाँ जी, मतलब डिमांडिंग अगर फूड है तो वो हॉट डॉग। हॉट डॉग ही है सर हमारा। अच्छा, ये हॉट डॉग सिंपल एक ही वेराइटी है या इसमें भी अलग अलग? नहीं, ये अपना रियल हॉट डॉग है जो मैं अभी बता रहा हूँ, वो हमारा रियल हॉट डॉग है, जैसा कि हमारा सालों से ही फेमस है। बाकी जैसे कैसा कि सॉसेस वाले जैसे कि अभी स्पेशल है, मैक्सिकन है, सेजवन, अभी सॉसेस का नया ऐड हुआ उसके हिसाब से हमने कस्टमर के रिक्वायर के हिसाब से मतलब नया नया ऐड किया हुआ है। बाकी रियल जो मैं बना रहा हूँ ये रियल हॉट डॉग है हमारा, देसी हॉट डॉग बोलते हैं इसको। अगर आप अगर कस्टमर की डिमांड हो तो हाँ, आप उसको उस तरह से बना के दे सकते सर। तो गाइज आपको जिस तरह से भी खाना है हॉट डॉग वो यहाँ पे आके आप खा सकते हैं। ये देखो एक टॉक पेटिस डाल दिया, कटलेस है, ककड़ी है, टोमेटो, ये इसका जो मसाला रहता है हमारा, ये जो सलाद है उसके अंदर सारी कैबेज, बीट, ऑनियन सारा मिक्स रहता है। केचप रहेगा, वापस मसाला। दोस्तों देखने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, तो अभी तो मैं इसको टेस्ट करने वाला हूँ। ये चीज़ रहेगा, ये चीज़ है जी सर। और अगर आपको भी टेस्ट करना है तो यहाँ पे आके एक बार टेस्ट जरूर करना। इतना सारा चीज, ये अपना देसी हॉट डॉग रेडी हो गया है। ये हो गया है हॉट डॉग रेडी हो गया सर हॉट डॉग हमारा। तो ये हॉट डॉग जो है रेडी हो गया है, तो अभी हम लोग इसको कस्टमर टेस्ट करेंगे। तो अभी ये हॉट डॉग रेडी हो गया है। कैसा है टेस्ट मैम? बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही टेस्टी है। स्पेशली यहाँ पे मैं मुंबई से खाने के लिए आई हूँ। क्या बात है, और जब भी मैं अहमदाबाद में आती हूँ तभी स्पेशली यहाँ पर आते हैं हम लोग फैमिली के साथ। क्या बात है। तो राकेश भाई अगर किसी को होम डिलीवरी करना है तो होम डिलीवरी अवेलेबल है या फिर यहाँ पे आके खा सकते हैं? नहीं, अवेलेबल है, जैसे कि जोमेटो में है हमारा, ऐसे ही सही नाम है जयश्री एम पे हॉट डॉग करके, और दूसरा हम 3 किलोमीटर के अंदर जो रहता है खुद करते हैं, संडे को नहीं खाते। ओके, संडे को ऑर्डर ज़्यादा होते हैं, वॉकिंग क्राउड ज़्यादा होता है, इसकी वजह से नहीं करते। तो गाइज अगर आपको होम डिलीवरी चाहिए यहाँ पे JMB हॉट डॉग के, यहाँ से अगर कुछ भी ऑर्डर करना है तो होम डिलीवरी अवेलेबल है। संडे छोड़ के आप वीकेंड में कभी भी कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको गरम गरम खाना है, इसका असली मज़ा लेना है, तो यहाँ पे आके मज़ा आएगा, क्योंकि पार्सल में सर कोई भी चीज़ होगी गर्म रहेगा थोड़ा डिफरेंट। तो गाइज अभी मैं भी टेस्ट करूँगा यहाँ का कि कैसा है। हाँ, मैडम के साथ मैं टेस्ट करने वाला हूँ। इसका जो देख रहे थिकनेस कितना ज़्यादा है, इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं आपने पहले मैं वीडियो में बता चुका, आपने देख लिया है। इसके अंदर चीज़ है 2-3 लेयर बता रहे, एक दो लेयर अप एंड डाउन साइड है, और बीच में इसका जो मसाला है वो है। तो इसको टेस्ट करते हैं हम। इट्स अमेजिंग। ये मैडम जो है स्पेशल मुंबई से खाने आए हैं यहाँ पे, तो मेरे तो मैं तो लकीली वीडियो में मेरे ये मैडम आ गए हैं, स्पेशल मुंबई से आए हैं। तो आप यहाँ पहले एक बार टेस्ट किया क्या आपने कभी मैम? हाँ, हम पिछले 10-15 सालों से इधर आते हैं, और मेरे घर पे कोई भी गेस्ट आते हैं तो स्पेशली हम लोग यही ऑर्डर करते हैं। क्या बात है। और मेरे भाई भाभी स्पेशल यहाँ पर मैनी नगर से यहाँ पर खाने के लिए आते हैं। गाइज ये सीरियसली बहुत यम्मी है, बहुत ही टेस्टी है। सो गाइज ये सीरियसली बहुत ही यम्मी है, बहुत ही टेस्टी है। मतलब मैंने ये हॉट डॉग, इस तरह का हॉट डॉग फर्स्ट टाइम खाया है, बहुत ही मज़ा आया।
और आप बिलीव नहीं करेंगे इतना स्पाइसी और इतना ज़बरदस्त हॉट डॉग सिर्फ और सिर्फ 90 रुपीज़ में। जी हाँ बिल्कुल 90 रुपीज़ में आपको इतना बड़ा हॉट डॉग और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में। देखिए पूरा 3 लेयर भर के हर चीज़ है अंदर, इंग्रेडिएंट अच्छा है और सबसे अच्छी बात है टेस्ट जो है वो बहुत ही लाजवाब है। तो एक बार 90 रुपीज़ खर्चा करके एक बार इसका टेस्ट ज़रूर करना। यहाँ का एड्रेस जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, एड्रेस जो है फटाफट पिकअप करें और यहाँ का हॉट डॉग एक बार टेस्ट ज़रूर करें। मैं तो इन्जॉय कर रहा हूँ यहाँ का हॉट डॉग और आप वीडियो एंजॉय कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।